हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप इजीली फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर स्किल्स ऑल्सो। अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर और अपनी स्किल्स के ऊपर और आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तब आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप नंबर टू, अब आपने खुद पर भरोसा कर ही लिया है तो अब कुछ डिसेंट वर्क भी होना चाहिए। अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क सैंपल होंगे तब इंटरव्यूअर के लिए वेरीफाई करना इजीली हो जाता है कि कौन सा कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो दैट्स वाई अगर आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क सैंपल्स होंगे तब आपके चांस थोड़े बढ़ जाते हैं और अदर फ्रीलांसर से। सो मेन फोकस कि आपको अपने स्किल्स के ऊपर भरोसा करना है, दूसरा आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क सैंपल्स होना चाहिए, तब जाके थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। अब आपने अपने ऊपर भी बिलीव कर लिया और आपके स्किल्स के ऊपर भी बिलीव हो गया और अब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क सैंपल्स भी है। सो अब चिंता किस चीज़ के भाई, अब बारी आती है मार्केटिंग की। अब आप जिस स्टेज पर आ चुके हो, अब आपको अपने आप को प्रमोट करना है। अब मार्केटिंग करने के लिए आपको दो स्टेप्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक पोस्ट या एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, पोस्टर। उस वे में आप इजीली ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने पोस्ट भी क्रिएट कर लिया, अब उसको आप प्रमोट कहाँ करोगे? प्रमोट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स है जो आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट देती है, लाइक लिंक्डइन, अपवर्क, फीवर, फ्रीलांसर। ऐसे ही बहुत सारी और वेबसाइट्स भी है जो आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स देती है, और कभी कभार आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट फेसबुक से भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो मेरा फेसबुक के साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट का थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं उसको काउंट करना नहीं चाहता। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक मैं अपना फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिंक्डइन की हेल्प से पिकअप करता हूँ। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग बिलीव लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा, और लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी है। सो गाइस, आपने मार्केटिंग भी कर लिया, अब आ जाती है अप टू डेट रहने। जैसा कि आपको पता है कि आपकी फील्ड के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन आपको अप टू डेट रहना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और तभी आप इजीली क्लाइंट को ग्रैब कर पाएंगे और इजीली आपको प्रोजेक्ट मिल पाएंगे। तो आपको फोकस करना है अप टू डेट रहने पे। ये एक्सपीरियंस मेरा लिंक्डइन के पेज पे है, और ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि मैं कैसे क्लाइंट्स को ग्रैब करता हूँ और साइड बाय साइड में कैसे अप टू डेट रहता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्साइटेड टॉपिक। बाय, टेक केयर।